हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे पे कुछ क्रिएटिव शूट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस टाइप की क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए एक फेरी लाइट जो आप अपने घर पे दिवाली में यूज होने वाली किसी भी एसी लाइट से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइट पेंटिंग करते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको चाहिए होगी कोई एक ट्यूबलाइट। इस ट्यूबलाइट के अलावा आपको चाहिए कुछ कलरफुल पेपर्स जैसे ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो, वाइट कलर और ग्रीन कलर। इनमें से आप कोई से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जब बैकलिट सिचुएशन होती है तो कलर्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं या फिर बाद में उनको एडिट भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप यूज करोगे अपने कैमरे का बल्ब मोड या फिर अपने कैमरे में जो स्लो शटर है उसको यूज करके हम अपने लिए शॉट बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, वो है एक खाली वॉल, बड़ी खाली वॉल चाहिए जहाँ पर आप इंडिया का मैप बना सको। तो शॉर्ट लेंस से पहले हमको एक चीज़ और करेक्ट करनी पड़ेगी, वो है ये जो फेरी लाइट है। इस फेरी लाइट में प्रॉब्लम ये है कि इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप इसे मैप बनाने की कोशिश करोगे तो वो मैप बहुत छोटा छोटा सा लगेगा। तो इसके लिए हमको इसे वापस बहुत नज़दीक में टाई करना पड़ेगा। तो इसे यहाँ कहीं इतने ही डिस्टेंस पे हमको चाहिए। तो इसके लिए सिंपली एक टेप लेते हैं और इनको नज़दीक ही ऐसे आप चिपका दोगे। ये थोड़ा सा टीडियस काम है बट अगर आप एक बार कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये दोनों इस तरीके से आपको ये जो जब आप इसे जलाओगे तो उस समय थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, तो घर पे आप पर्दे हैं तो वो लगा सकते हो या फिर आप थोड़ा सा लेट आवर्स में शूट कर सकते हो जिससे कि आपको स्लो शटर भी मिल सके और जो इनकी लाइट है वो लाइट भी आपको दिखाई दे जाए। तो करना यही है कि इनके डिस्टेंस को कम करना है और फिर इस तरीके से आपने फाइनली अपने लिए ये जो फेरी लाइट है ये तैयार कर लेनी है। तो चलिए करते हैं शूट और जो इंडिया का मैप आपने बनाया उसमें स्टेप बाय स्टेप इसे लगाते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई कर्व बना रहे हो तो उस कर्व पे प्रॉपरली ये माला फिट होनी चाहिए। अब बारी आती है इस ट्यूबलाइट की। इस ट्यूबलाइट पे आपने कलर पेपर रैप करना है और इस तरीके से आप इसमें जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो है, इस टाइप से मल्टीपल कलर इसमें लगा सकते हो। चलिए करते हैं शूट। तो दोस्तों, ये थे हमारे दो क्रिएटिव आइडिया जिससे हमने इंडिया का मैप बनाया, हमने लाइट पेंटिंग यूज की, हमने स्लो शटर यूज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।